भाई एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने बीच है भाई। यार ये दर्शक भी बने हुए अंकल जी ने फुल तारीफ कर दी, पोटा फॉर्म आ गया है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। है कौन सा गांव भाई? भाई मैं रामबास गांव से महिंद्रा डिस्ट्रिक्ट आ रहा हूं। महिंद्रा के डार्मी सिटी भाई। बिल्कुल भाई। तो बता भाई कौन सा बैच था, क्यों करके बाजा? मेरा ग्राउंड नंबर एक था और पहले बैच था, 5 बजे आ लिया था मैं। अच्छा 5 बजे? 5:30 आ लिया, दोस्त भेज दिए थे, वो लाइन में लग गए थे। अच्छा दोस्त, दिमाग बहुत तेज है थारा। ठीक भाई, 6 बजे एंट्री कर ली थी। 6:30 बजे एंट्री कर ली थी भाई। करवा दी 6:30 बजे। उस टाइम पे कितने एक बालक थे सुबह? 5:30 बजे सारे लगभग आ लेते। 5:30 बजे तो कम थे। अच्छा 40-50 बच्चे। अच्छा अच्छा 7 बजे ही आवा ज्यादा। 7:30 बजे के बाद पूरी भीड़ होना चाहिए। कर गया काम। हाँ तो बता भाई उसके बाद कैसे क्या प्रोसेस? भाई सबसे पहले एंट्री करवा दी उन्होंने अपनी। इसके बाद एंट्री पे क्या चेक करें भाई? एंट्री पे ये है कि मोबाइल अलाउड नहीं कर रहे थे। अच्छा, बाकी अगर अंदर जाओगे तो अलग माहौल है। हाँ। मोबाइल है तो स्विच ऑफ करके रख सकते हो बैग। अच्छा, कोई मैंडेटरी नहीं है, बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, बाहर निकाला दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा सबसे पहले जाके बिठा देंगे आराम से, एक फॉर्म दे देते हैं अपने को जो अपने को फिल करना होता है डिटेल्स छोटी मोटी। इसके बाद बैच बना देंगे सभी के। हमारे ग्राउंड नंबर एक था जिसमें रोल नंबर वाइज करवा रहे थे, जो टिकट नंबर होता है उसके हिसाब से बैच 50-50 के बना दिए थे। रोल मतलब जो बच्चे रनिंग में जा रहे हैं वो तो जल्दी के हिसाब से जाते होंगे, जो जल्दी आओगे ना, जल्दी आओ उसका फायदा हुआ है। हाँ हाँ, पर इसका भी टिकट वाला भी चक्कर है। अच्छा, दोनों चीज चल रही है। चक्कर है ये, जल्दी आओगा तो ये है कि तेरा उसमें 50 बच्चों में तो आ जाएगा स्टार्टिंग। ये है कि सरू मान ले 2500 है, 2600 के बीच में है तो 100 बच्चे हैं, जल्दी गया तो 2500 सरू 50 ले लिए इस टाइप में। ठीक है भाई, उसके बाद क्वालिफाई हो गया है। अरे ग्राउंड का अलग अलग कलर का होगा, ग्राउंड नंबर एक का ये ब्लू कलर का है। ठीक है। हाँ, कल वह पीले पहन रहे थे, कल जो बनाए उनके ग्राउंड का फर्क हो सकता है थोड़ा। अच्छा भाई, ग्राउंड का दिन का फर्क हो सके पता नहीं वैसे। तो फिर भाई रनिंग के बारे में बता, ग्राउंड की ग्राउंड बिल्कुल मस्त, कोई दिक्कत नहीं। वॉच अलाउड है? वॉच अलाउड है, बिल्कुल वॉच बिल्कुल अलाउड है। नंगे पैर कोई भागना चाहे, नंगे पैर जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे भागो, कोई दिक्कत नहीं। नंगे पैर ये थोड़ा ध्यान रखे भाई, काटे वाटे ना लगे। कोऑपरेटिव स्टाफ 1% भी दिक्कत नहीं आएगी हर तरीके में, कोई दिक्कत नहीं। हल्की वाल्की अगर छूट भी है तो वो भी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप की? लॉन्ग जंप में अपना बस थोड़ा देखना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग जंप भी आसानी है, मेरा दूसरे में लगा था, पहले में थोड़ा फाउल हो गया था। हाँ, तो ये लॉन्ग जंप में थोड़ा ध्यान से मारे। तो क्या ध्यान रखा भाई जो कल आओगे? ध्यान ही रखना है बस भाई, अपने फाउल नहीं करना है। अगर आगे वाली लाइन में है उसमें 1% चल सकता है, अगर आपने थोड़ा सा फाउल कर दिया स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में तो अलाउड नहीं करेंगे बिल्कुल। अच्छा, जिस तक कूदना उस जगह का ज्यादा ध्यान रखना है, जहाँ से कूदना वो ध्यान रखना है। वो फट्टा चुनने फट्टा लगा रखा है उसमें, ये है कि वो इस साइड आ जाए उससे थोड़ा सा आगे बिना जाए, पीछे से कूद जाए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगी, नॉर्मल है, 1% में दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद? उसके बाद भाई तुरंत लॉन्ग जंप होने, रनिंग और लॉन्ग जंप में कितना गैप है भाई? पूरा गैप देंगे, रेस्ट कर लो आप, पूरा गैप है 20-25 मिनट आराम से मिलेंगे, पूरा रेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं, जब आराम से हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बुलाते हो। ठीक है भाई। हाँ, अगर किसी को ये है कि भाई मेरे थोड़ा और रेस्ट है जाता ही है तो उसको बाद करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना रेस्ट करना करो। हाँ, तुम्हारी इच्छा है जितना करना करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नंबर वाइज फिर चेस्ट नंबर के हिसाब से फिर बुलाने लग जाते हो। डॉक्यूमेंट वाइज भाई इसके बाद अपने लॉन्ग जंप हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वाला सब कुछ कुछ नहीं है, मेनली सिर्फ चाहिए अपने को 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 12th की बस, और एक अपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है OBC EWS जो भी लगता है। ये तो पूछ रहा है OBC का, मैं OBC से हूँ। अच्छा, और मैंने अभी बनवाया था, फरवरी में बनवाया था मैंने, तो आराम वैलिड है। मतलब और तने बेरा लगे, कितना पुराना चल जा है? पुराना ये भाई 1.5-2 साल तक तो आराम चल रहे हैं। हाँ, यहाँ तक तो मैंने देखे बच्चों के, ज्यादा पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन का टाइम मिलेगा। हाँ, 5 दिन मनवा लो, घबराना नहीं भाई जी का, ज्यादा पुराना भाई एक भी, आप सिर्फ एडमिट कार्ड लेके चले जाओ। हमारे 3 बच्चे थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके आए हो, उनको पास किया प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये है कि उनको 5 दिन के अंदर जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद वो फाइनल उसको क्वालिफाइड घोषित करेंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। 5 दिन में लेके आना है डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, बाकी कोई 1% दिक्कत नहीं, आराम से आओ, फिजिकल होगा बस। बढ़िया चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, क्या नाम भाई? भाई मेरा गौरव नाम है, गौरव यादव नाम। गौरव राव साहब आ रहा है महिंद्र के डाला कसूता मोटिवेशन कर गया भाई। एक भाई सारा भाई ने बता दू भाई, पोटा वो लोग प्रॉपर भाई कल देख के आया था, पूरी जानकारी मिली है, पूरा सहयोग मिला है। मैं थोड़ा घबरा रहा था भाई OBC दिक्कत ना हो, पहले कोनी पुरानी से इस टाइम में करके बताई कल मैंने OBC, तो OBC उसमें हो गया था क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपने डिटेल, आपकी डिटेल 90% उससे ही कराया मैंने काम, और ना मैंने किसी फोन मिलाया ना पूछा ना किसी से। ठीक है, मोटा भाई का सारा व्लॉग्स के वजह से ये पॉसिबल है। तुम देखो उस तक बहुत पैसा आ रहा पगलो। ठीक है, ठीक है ना भाई? ना ठीक भाई, सारा भाई राम राम, राम राम भाई, एक नंबर का भाई, मोटिवेशनल स्पीच देगा। ठीक भाई, ओके भाई, लाख ठीक है। अरे ये दर्शक कार्यक्रम का मजा लूट गए भाई, ये दर्शक बने हुए वजीराबाद में भाई, ये मजा लूट गए कार्यक्रम का।
यो लाइव चला दिया। कुछ और बात पूछनी हो मेरे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लियो भाई, कमेंट डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक पाओगा। यो वजीराबाद का लाइव माहौल है भाई, दो भाई ने बढ़िया जानकारी दे दी, EWS की भी OBC की भी, कोई भाई डॉक्यूमेंट में नहीं लगे, डर ग्राउंड में हाई जंप लॉन्ग जंप A to Z माहौल बना दिया भाई। यो आड़ा बार चल रहा है भाई वजीराबाद में।